सब्सक्राइब नहीं करोगे तो मुझसे कैसे मिलोगे। और हाँ, घंटी ज़रूर दबा देना। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम है आपका लाइव विद अनुषा इकरा में। मैं हूँ अनुषा। और कैसे हैं आप सब? और अल्लाह का शुक्र है, हम भी आप सबकी दुआओं से एकदम मज़े में। तो आज ही हमारे घर में पक रहा है मटर चावल, और यहाँ पे मम्मा की चाय है, खीरे हैं, और ये है जो अभी मैं खाऊंगी। अस्सलामुअलैकुम, तो आज मेरी फरमाइश पे पक रहा है मटर चावल, और यहाँ पे मम्मा की चाय है, खीरे हैं, और यहाँ है बाहर खानी है जो कि मैं खाऊंगी। और भी मम्मा छिल रही हूँ मटर, आप ही छिलवा रही। अभी मैं खाऊंगी, इसलिए खाने के बाद तो छिलवा लो, देखो जल्दी से छिल जाएंगे। ये देखिए कितने मोटे, इसके दाने कितने अच्छे लगते हैं। दाने तो अच्छे लगते हैं, लेकिन वो वाले नहीं अच्छे लगते, आलू वाले, ऐसे वाले अच्छे लगते हैं। मुझे सफेद चावल और मोटे ना मटर। अच्छा, आलू डाले डाले आ जाओ, जिस चीज को खाना है जिसमें लहर पान रही। क्या क्या खा रही हो आप? ये क्या है? मगर पानी। मटर छिलवा लो, मेरे हाथ दुख गए। है मटर छिलवा लो। ये कितना छोटू सा मटर है यार, ये तेरा क्या फेवरेट नहीं है? ये कितना छोटू सा है। ओ ये लो, इतना प्यारा सा लग रहा है, मेरे ख्याल से मटर का बच्चा है। है ना, ये तो सारे मटर कौन छीलेगा, मेरी कमर टूट गई। अच्छा तकिया लगा के कर लूँ, लेकिन महारानी ने खुद ने नहीं छिलवाने हैं। स्कूल से आई हो? स्कूल जाना अच्छा लगता है? कैसा लगता है इतना को? और सुबह सुबह उठना बहुत बुरा। क्यों? बकवास। सुबह सुबह का उठना, वैसे स्कूल कितने बजे होना चाहिए? शाम को। शाम तक छुट्टी होनी चाहिए। वाह वाह वाह। और ट्यूशन कब जाएंगे फिर? ट्यूशन सुबह सुबह होते ही। अनुषा का है? अनुषा खीरे भी लिए मैंने सलाद के लिए, आपको पसंद है ना? चलो फिर छिलवाओ, ये जल्दी जल्दी छिलवाओगी? अभी जल्दी हो जाओ, बंद हो गई ना मेरे सारे खीरे खा। ओए दांत दिखा ना, दिखा तो दो एक दफा। कैसे कैसे चले भाई, मटर छीलते हैं और फिर चाय भी पीते हैं। मेरी चाय भी इकरा ने ठंडी कर दी। मैं कितने कप पीती हूँ चाय? डेढ़ कप तो पी लिया। ओके शाबाश। बाहर खानी खाई है, और अभी मैं खा रही हूँ। क्या खाई है अभी आपने? बाहर खानी। और अब फिर भूख लग रही है? अब फिर भूख लग रही है, मैं इसको खोल से तो बचाती हूँ। क्या खा क्या रही है? उसका नाम क्या है? स्टिक के कोई मिठी नहीं। लव लेटर्स। लव लेटर्स वेफर नहीं, वेफर ने स्टिक से सही होती है अंदर से बहुत। अरे बहन मटर छिलवा ले, मटर छिलवा ले, मटर छिलवा ले, देर हो रही है, मटर छिलवा लो, मटर छिलवा लो, मटर छिलवा लो। नहीं भाया, दिल चाह रहा है ऐसे ही कच्चे खा लूं, मुझे इतनी भूख लग रही है, दिल चाह रहा है ऐसे ही खा लूं। और वो कहता था नन्नू सा, छोटा सा मटर, वो अभी ढूंढती हूँ मैं, फिर आपको दिखाती हूँ। मेरा तो ये रहा वो छोटा सा मटर, गिरी गया। ये रहा ये रहा वो मटर, मटर हाँ फिर गिर गया। चलो बंद कर दो वीडियो, बंद करो बंद। तो भाई कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, और काफ़ी दिनों के बाद मेरी आप लोगों से मुलाकात हो रही है, क्योंकि मैं स्कूल लाइफ में इतना बिज़ी हूँ कि मम्मा ही आप लोगों तक वीडियोस पहुँचा रही हैं, मम्मा ही एडिटिंग कर रही हैं। और आज जो है मम्मा की तबीयत ख़राब है, जिस वजह से मुझे रिकॉर्डिंग करनी पड़ रही है। तो कैसे हैं आप सब, और क्या हाल चाल हैं आप सबके? और भाई अगर आप लोग हमारी वीडियो से बोर नहीं हो रहे तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन का घंटा भी दबा दें ताकि उससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए।
और भाई आजकल मसरूफ भी हैं हम लोग, बहुत ज़्यादा बाज़ारों के चक्कर लग रहे हैं, क्योंकि हमने आप लोगों को एक वीडियो में बताया था कि एक कोई ख़ास इवेंट आने वाला है, तो माशाल्लाह से वो इवेंट अब इतना करीब है कि बस, और इंशाल्लाह उसमें भी हम आपको अपने साथ रखेंगे, क्योंकि अब आप लोग हमारी फैमिली हैं और फैमिली को कभी भी अकेला नहीं छोड़ते, अपने साथ ही रखते हैं। तो आप भी हमारे साथ ही रहिएगा, लेकिन अगर हुआ तो थोड़ा लेट व्लॉग आएगा, लेकिन आएगा ज़रूर। और ये जो आप एक क्या कहते हैं इसको, मिट्टी सॉइल का बॉक्स देख रहे हैं, बाउल देख रहे हैं, तो भाई ये है इकरा का, जिसमें मम्मा ने इसको जो है ना एक गमला लगा के दिया था, लेकिन इसने गमला निकाल दिया और सिर्फ ये मिट्टी पे ही कुछ अपने छोटी छोटी सी ना, इसको छोटी छोटी चीज़ें कलेक्ट करने का बहुत शौक है, तो ये छोटे छोटे से टॉयज़ इसने सजा दिए। और अगर आप लोग हमारी वीडियो से, यहाँ पे मैंने अपने पेड़ को सजा दिया था अच्छे तरीके से, और मैंने अपना प्लांट भी निकाल दिया था, और अगर आपको ये प्लांट अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। आगे से रास्ता ही बंद है। और फिर जो मेरी खुआरी हुई, मुझे इतना गुस्सा, इतनी टेंशन कि कहीं स्कूल का गेट ना बंद हो जाए, लेकिन अल्लाह का शुक्र था कि भाई गेट बंद नहीं हुआ, यहाँ हम रायता बना रहे हैं। तो आज अनुषा जो है रायता बना रही है मटर चावलों के साथ, और अनुषा अपनी रेसिपी शेयर करेंगी कि वो रायता किस तरीके से बनाती है। सबसे पहले तो हमने दही लिया, और दही को पहले हमने थोड़ा फेंट लेना है फॉक की मदद से, और क्रीमी बना लेना है, जिससे हमारा दही क्रीमी होगा तो रायता एकदम यमी यमी बनेगा। ये प्याली खिसक खिसक के उधर ना चली जाए नीचे, क्रीमी क्रीमी भी खिसक रही है। चलो हो गया, स्कूल से आई हूँ, मुझे अभी तक खाना नहीं मिला है, खुद ही पकाना पड़ रहा है। अरे बेचारी की मशरूम की कहानियाँ, दुखियारी दास्तान। चलो अब जल्दी जल्दी क्या क्या ऐड करना है इसमें, जल्दी से बताओ। 2 हाफ टेबल स्पून, सबसे पहले तो मैं जीरा ले रही हूँ, 1/2 टेबल स्पून, आप लोगों ने देख लेना है, चेक करने, भुना कुटा जीरा, ठीक है। 1/2 चम्मच ही हमने काली मिर्च पाउडर का लेना है। ओके, ये रहा जीरा भुना कुटा, रायता। हमने गरम मसाला अब पिंच लेनी है, चुटकी मतलब, क्योंकि गरम मसाला है, गरम मसाला। और अब क्या लेना है? तो थोड़ा सा मैं नमक ऐड कर रही हूँ, नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आपने लेना है बिल्कुल। फिर और उसके बाद, उसके बाद हमने, मेरा जो मेन इंग्रेडिएंट है उसके बगैर मैं रायता नहीं बनाती हूँ, वो है पुदीना, सूखा पुदीना, और इससे ऐसे ऐसे रायता तैयार। खाने में क्या पका? मटर चावल जो आप लोगों ने ऑलरेडी देख ही लिए, अभी कहाँ दिखाए, मतलब आपने प्रिपरेशन तो देख ली ना, मटर छीलते हुए, और जब तक ये मिक्स हो रहा है तो ये बन रहे हैं मटर चावलों में, आ गया है दम भाई अल्लाह, ये देखे। और जिसको भी मटर चावलों की रेसिपी अगर चाहिए तो, और ये मेरा रायता मिक्स हो गया, कमेंट्स में बताइएगा कि क्या आप लोगों को ये मेरे मटर चावलों की रेसिपी चाहिए, तो फिर मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो आज मैंने बनाए हैं दोपहर के खाने में मटर चावल, जो कि इस वक्त जो है मटर जो है बड़ी मज़े की आ रही है सर्दियों की, तो हम लोग इंजॉय करने वाले हैं मटर चावल, रायता तैयार है, तो आप लोगों से मिलते हैं 10 तक। तो मम्मा यहाँ भेज रही हैं ऊपर खाना, और हम जब भी कुछ पकाते हैं तो ऊपर खाना जरूर भिजवाते हैं। ऊपर किसको? फूफा जान जी, फूफा जान को भिजवाते हैं, क्योंकि फूफा जान को अच्छी लगती है मम्मा की कुकिंग, फूफा जान जो पकाती है वो हमें भिजाती है। थोड़ा सा सैलेड रख रही है इसके ऊपर, और थोड़ा सा रायता भी डाल लिया साइड में, थोड़ा सी हरी चटनी भी डाल ली है, क्योंकि सर्दियों में बड़ा दिल चाहता है चटनी, जिसका कलर आपको थोड़ा ब्राउन लग रहा है लेकिन असल में ये ग्रीन है। चले भाई, ऊपर दिया, इतना जा रही है।
तो भाई आज का डिनर आ गया है। ये आज का डिनर लंच है और बहुत मजे का लग रहा है। क्या क्या पकाया पे है? मटर चावल, रायता है, ब्राउन प्याज है, प्याज है और चटनी है और कुकम्बर है। हाँ कुकम्बर है। कुकम्बर किसे कहते हैं? खीरे को बोलते हैं। और यहाँ पे इकरा है और यहाँ मैंने हाफ हफ्ते का सूट पहना है। हाफ ओए हे। और अनु फुल। चलो भाई इन्होंने खाना खा के जो है ना तैयारी कर रखी है, ब्लैंकेट बिछा के रखा हुआ है ताकि हम फौरन जाके लेटें क्योंकि ये लोग स्कूल से आई हैं। तो भाई हम लोग अपना गरम गरम खाना एंजॉय कर रहे हैं और आ जाएं भाई जिसको भी खाना खाना है। वाह तो अल्लाह अभी टेस्ट भी करके बताएंगे। जल्दी बताओ भाई। अच्छा इतना सारा दही वन बाइट पे? फूत मार फूत कैसे कहते हैं वो? ये ट्राई कर रही है। तो अगर आप लोगों को हमारे मटर चावलों की रेसिपी चाहिए तो प्लीज हमें, ये भी बहुत अच्छे बने लेकिन मुझे जो पर्सनली पसंद है ना वो येलो वाले पसंद आलू चावल, आलू मटर चावल। और ये है इकरा की फरमाइश के सादे स्पाइसी से होते हैं ना लेकिन वो अच्छे लगते हैं। लेकिन अच्छे आज इकरा की फरमाइश पे बने फिर अन्नू की फरमाइश पे बनेंगे। तो अगर आप लोगों को हमारी ये रेसिपी पता है अनुषा क्या बनवाएगी? क्या? कोफ्ते। वो भी किसी दिन ट्राई करते हैं इंशाल्लाह। चलो भाई मिलते हैं फिर आप लोगों से खाने के बाद। अल्लाह हाफिज। लोग डेजर्ट ट्राई कर रहे हैं जिसमें हमारे पास दो बेसिक डेजर्ट है, वन और ये है। तो अब हम दोनों खोलते हैं। ओके तो ये कैसा निकला है? काफी बड़ा है, इसकी प्राइस भी बहुत अच्छी है, 30 रुपीज का इतना बड़ा बिल है आपको। यार जल्दी निकालो ना। ओके तो ये इसके ऊपर ऐसे मार्बल डिजाइन है, ये 3 लेयर केक है। तो अब के कैमरा एक पकड़े ताकि फिर मैं अपने रोल, बल्कि पहले आप, हाँ पहले रोल पकड़ो। तो अब है मेरी बारी और अब हम खोलते हैं ये रोल। पहले हमने मैंने ये खाए हुए बच्चे अभी मैम नई जगह से लाए ना तो वहाँ अभी ये क्योंकि हर बेकरी का अलग चित ये खुल नहीं रहा। वैसे तो ये बाहर से आपको दिख रहा होगा जैसा बाहर है वैसे। ओह नो तो ये बहुत क्रंची लग रहा है मुझे। तो अब इकरा आप अपना ट्राई करें पहले फिर हम आपको बताते हैं कि क्या अच्छा लग रहा है। पहले वैसा है मेरे बनाने के। बहुत तेज जो है बिल्कुल ब्राउनी की तरह आ रहा है और बहुत ही मजे का आ रहा है। और इसके अंदर चॉकलेट भी ऐड है।